अभी हमारे मॉर्निंग सेशंस में हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ट्वेल्व uh, क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं थर्टीन के साथ आज हम कंटिन्यू करेंगे uh, जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वेलकम टू द चैनल माय नेम इज़ उमंग शर्मा हम डेली बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं क्योंकि अब आप आपके एग्जाम्स uh, में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है सैटरडे को हर सैटरडे को शाम को सात बजे एक लाइव क्लास आती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं चैप्टर वाइज तो अगर अभी तक दो तीन दो तीन चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं अगर

क्या है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ फोर ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट फाइव ईयर द प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स वर आपको लास्ट पाँच सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है ये देखो uh, 2012 का 13 का 14 का 15 का और 16 का हमें निकालना क्या है गुडविल ख्याति के मूल्य की गणना पाँच वर्षों के औसत लाभ के चार वर्षों के क्रय के आधार पर करें ये आपको जितना टफ जितना टिपिकल सा देखने में लग रहा है ये वाले क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर ये पेपर में आ जाए तो आपके इतने मार्क्स कंफर्म है ये तो आपको मिलने ही वाले हैं तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला एक होता है लिखो एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी छोड़कर मत जाना क्योंकि ये इनके मार्क्स एकदम ऐसा आता है फ्री में मिल रहे होते हैं ना, बहुत सिंपल होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम गिवन इयर्स गिवन ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ गिवन इयर्स ईयर्स तो समय ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है देखो सबसे पहला कितना दिया है फोर्टी थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड और प्लस सिक्सटी थाउजेंड बाय या अपॉन कितने number of years गया है हमें? 5, तो upon 5. तो जब आप को प्लस करोगे तो ये निकल कर आएगा आपका दो लाख साठ हजार दो लाख साठ हजार डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल्स टू फिफ्टी टू थाउजेंड बावन हजार अब आपको साथ में क्या निकालना है गुडविल तो गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकल कर आया फिफ्टी टू थाउजेंड जो कि अभी हमने निकाला और नंबर ऑफ परचेज इयर्स कितने दिए हुए हैं देखो फोर दिए हुए हैं यहाँ लिखा हुआ है कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ फोर इयर्स ऑफ परचेज तो इनटू फोर तो फिफ्टी टू थाउजेंड इन फोर करोगे आपका तो ये निकल कर आएगा ऑल गुडविल ये एक साल की है ये सा, मतलब चारों साल की तो ये आपका निकल कर आएगा टू जीरो एट ट्रिपल जीरो ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है देखा कितना सिंपल था लेकिन ये वाले क्वेश्चंस होंगे तभी आपसे जब आपको यार कितनी भी सरल चीज हो लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि इसे सॉल्व कैसे करना है तो ये सॉल्व करने का इसको एक आसान सा तरीका था होप आपको समझ आया होगा ये हमने कर लिया नंबर थर्टीन कल हम करेंगे नंबर फोर्टीन तब तक अगर आप आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो आइकन प्रेस करो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो उनको बताओ कि आपका सहपाठी एक चैनल है जिसपे आपकी जो भी डाउट्स होते हैं आप उन्हें कमेंट करो जितना जल्दी हो सकेगा आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय थैंक यू सो मच